ज्ञानी, भक्त और संत में क्या अंतर है? साधना के तीन मार्ग हैं, यूं कहूँ साधना के तीन मुख्य मार्ग हैं। पहला मार्ग है ध्यान का, दूसरा मार्ग है प्रेम का और तीसरा मार्ग है सहज का। ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो सहज मार्ग है ये ध्यान और प्रेम का संगम है। इसमें ध्यान भी समाहित है और प्रेम भी समाहित है। साधना के इन तीन मार्गों को अलग अलग रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे जो ध्यान का मार्ग है उसको वैराग्य का मार्ग भी कह सकते हैं, जो प्रेम का मार्ग है उसको राग का मार्ग भी कह सकते हैं, और जो सहज का मार्ग है उसको वीतरागता का मार्ग भी कह सकते हैं। जो ये क्या चीज़ है वीतरागता का मार्ग? वीतरागता का मार्ग है, इसमें न तो त्याग है न तो भोग है बल्कि योग है। उपनिषद का ऋषि कहता है ते न त्यक्ते न भुंजीता, अर्थात परमात्मा को न तो त्याग से पाया जा सकता है न भोग से पाया जा सकता है बल्कि योग से पाया जा सकता है। साधना के इन तीन मार्गों को ज्ञान, भक्ति और संतत्व का मार्ग भी कह सकते हैं। संतत्व का मार्ग क्या है? ज्ञान का मार्ग तो समझ में आता है, भक्ति का मार्ग भी समझ में आता है, क्योंकि ध्यान के मार्ग और ज्ञान का मार्ग, वैराग्य का मार्ग करीब करीब एक है। प्रेम का मार्ग, राग का मार्ग, भक्ति का मार्ग करीब करीब एक है। संतत्व का मार्ग जो सहज का मार्ग है, वीतरागता का मार्ग है, वह संतत्व, संतत्व के मार्ग में ज्ञान और भक्ति संयुक्त है। जैसे कि सहज के मार्ग में ध्यान और प्रेम संयुक्त है, जैसे वीतरागता त्याग और भोग के पार योग के मार्ग पर चलती है। किसका कौन सा मार्ग है ये जानना भी ज़रूरी है। अब अक्सर सवाल पूछते हैं लोगों से, ओशो से भी लोगों ने पूछा कि आप इतने मार्गों की चर्चा करते हैं, जब बुद्ध पर बोलते हैं तो लगता है बुद्ध ठीक है, जब मीरा पर बोलने लगते हैं तो लगता है मीरा ठीक है, तो फिर कैसे जाने कि हमारा कौन सा मार्ग है? ओशो ने तो खैर मजाक में इसको ले लिया और कहा कि तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं जो बोलता हूँ उससे तुम राज़ी हो जाते हो, वो तुमको जचता है, तो तुम्हारा मार्ग न बुद्ध है न मीरा है, तुम्हारा मार्ग मैं हूँ। लेकिन वास्तव में आज हम समीक्षा करेंगे कि हम कैसे जाने कि हमारा मार्ग क्या है। क्या ध्यान का मार्ग हमारा है, क्या प्रेम का मार्ग हमारा है, कि सहज का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है हमारा कि राग का मार्ग है, कि वीतराग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है हमारा कि भक्ति का मार्ग है हमारा कि संतत्व का मार्ग है। किसका मार्ग कौन सा है इसको जानने के लिए बड़ा आसान तरीका है, भगवान कृष्ण बताते हैं। भगवान कृष्ण गीता में उसका अध्याय 14 है, गुण त्रय विभाग, उसमें कहते हैं कि तीन प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं। दो प्रकार तो पैदाशी आते हैं, एक तीसरा हमको रूपांतरण होकर के बनना पड़ता है। वो कौन सा? जो दो मूलभूत जो स्वभाव है, मूलभूत जो गुण है वो क्या है? एक है तमस, एक है रजस। तमस का बार क्या है? तमस के लोग एक तरह से आलसी प्रकृति के होते हैं, और रजस कौन से हैं? जो कर्मठ प्रकृति के लोग होते हैं। आजकल के मनोविज्ञान के आधार पर कहें तो दो प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं। जो ध्यान योग का जो आनंद प्रज्ञा जब तुम करते हो तो आनंद प्रज्ञा में, इसको हम भूतों का विज्ञान के रूप में बताते हैं, जैसे दो प्रकार के लोग इस संसार में कैसे कैसे हैं। एक कहता है कि मैं सही हूँ, आई एम राइट, तो ये रजस मार्ग है, मैं सही हूँ, मैं आई एम राइट, ऐसा मैं सही हूँ, इसको ए प्रकार का भी कहते हैं, जिसको कृष्ण रजस कहते हैं, इसको ग्रुप ए। और दूसरा जो यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तो इसको कहते हैं ग्रुप बी।
तो ये जो ग्रुप बी है ये तमस का मार्ग है, और जो ग्रुप ए है वो रजस का मार्ग है। तो ये जैसे पहला तल कह सकते हो कि मैं सही हूँ, जब इसका इसकी पर्सनालिटी और मैच्योर होती है तो कहती है कि मैं धन संग्रह करूँगा, आई विल पॉसेस। इसका जो काउंटर पार्ट है वो कहता है यू कैनॉट पॉसेस, तुम धन संग्रह नहीं कर सकते। फिर ग्रुप ए में जो तीसरा तल है और मैच्योर हो जाता है तो आई विल डोमिनेट, मैं तुम पर हावी होऊंगा। और इसका जो काउंटर पार्ट है बी ग्रुप में या तमस ग्रुप में वो कहता है यू कैन नॉट डोमिनेट, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। और फिर जो इसका चौथा तल है उसमें जो ग्रुप ए है या जो रजस ग्रुप का है वो कहता आई एम जस्टिफाइड, मैं त्याग संगत हूँ, मैं कैसे सही हूँ, वो तर्क दे करके सिद्ध करने लगता है। और ग्रुप बी में जो चौथा तल है वो है यू आर नॉट जस्टिफाइड, तुम न्याय संगत नहीं हो। तो क्लियर कट दो भागों में आधुनिक मनोविज्ञान इसको विभाजन करता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। इसी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ग्रुप ए को रजस मार्ग कह रहे हैं, राजसी, ये लोग राजसी गुण को रजस गुण को अपनाते हैं इसलिए राजसी हैं, और जो तमस गुण को अपनाते हैं वो तामसी हैं। तो अब इन दोनों के बीच दोनों की अच्छी क्वालिटी जब ले लेते हैं, जब अब रूपांतरण कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार रजस ग्रुप में या ग्रुप ए में आप आ गए तो आप जिंदगी भर उसमें रहोगे, या एक बार तमस ग्रुप में आ गए ग्रुप बी में आ गए तो जिंदगी भर तमस ग्रुप में रहोगे, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ आपका पुरुषार्थ काम करेगा और आप दोनों को ट्रांसेंड कर सकते हो, अपने अपने ग्रुप के पार जा सकते हो। और उस अवस्था आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा देखो जरा एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रही आवाज़, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है, ठीक सब लोगों को ठीक आ रही है आवाज जी, ठीक आ रही है बाकी लोगों को, राइट गुड गुड। तो इस तरह से मैंने तीन मार्गों की बात की, पहला तो आपका जन्मना है, जन्म से ही है, अर्थात कि रजस गुण लेके आए हैं कि तमस गुण के लेके आए हैं, लेकिन दोनों को दोनों के पार जा करके दोनों के अच्छी क्वालिटी दोनों के अच्छे गुण ले करके एक तीसरा गुण आप डेवलप कर सकते हैं, उसका नाम है सतोगुण। सतोगुण का मतलब है कि रजोगुण के जो अच्छे अच्छे गुण हैं, क्योंकि हर गुण में कुछ उसके दुर्गुण भी हैं कुछ उसके सद्गुण भी हैं, लेकिन दोनों के सद्गुण को आपने ले लिया, रजोगुण में जो अच्छे गुण हैं सद्गुण हैं, जैसे तमोगुण में जैसे दोनों के अच्छे गुण क्या हो सकते हैं, जो रजोगुण होता है उसके अच्छे गुण को कर्मठ होता है, वो लोगों से प्रेमल होता है, लोगों के प्रति केयरिंग होता है, लेकिन दुर्गुण क्या है, वो डोमिनेट करने लगता है, बिना मांगे सलाह देने लगता है। उस तरह तमोगुणी के जो अच्छे गुण क्या है कि बड़ा सिस्टम का पक्का होता है, वो समय का पक्का होता है, तो और एकांत पसंद होता है, और वो जरा भी किसी के मामले में जल्दी इंटरफेयर नहीं करेगा, वो अकेले अकेले एंजॉय करेगा। और दुर्गुण क्या है कि वो बात बात पर लड़ पड़ता है, वो दूसरे में दोष ज़्यादा देखता है। तो इस तरह से आप दुर्गुणों को छोड़ दीजिए, रजोगुणी का वो प्रेमल स्वभाव होना, केयरिंग होना, जो तमोगुणी है उसका सिस्टम से चलना, से अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीना, ये उसका जो अच्छा पक्ष है। तो दोनों को लेकर के दोनों को एक तरह से आपने दोनों के अच्छे गुणों का जब संगम अपने भीतर आपने विकसित कर लिया तो उसको कहते हैं सतोगुणी। तो मूल रूप से ये तीन प्रकार के लोग हो सकते हैं, तो इसके आधार पर लोगों के तीन अलग अलग मार्ग होते हैं, जिन मार्गों की हमने चर्चा कर दी कि जैसे जो तमस गुणी जो व्यक्ति होता है उसका मार्ग क्या है, उसका मार्ग ध्यान का मार्ग है, उसका मार्ग वैराग्य का मार्ग है, और उसका मार्ग ज्ञान का मार्ग है। उसी तरह से जो रजस गुण वाला व्यक्ति है, जो रजोगुण व्यक्ति है, उसका प्रेम का मार्ग है, उसका राग का मार्ग है, उसका भक्ति का मार्ग है। उसी तरह से जो सतोगुण व्यक्तित्व जिसका हो गया उसके लिए उसका मार्ग क्या है,
सहज का मार्ग है, वीतरागता का मार्ग है, संतत्व का मार्ग है। तो ये तीन प्रकार के लोग हैं, तीन प्रकार के गुण वाले लोग हैं और इस आधार पर तीन अलग अलग मार्ग हैं और जो जिसका व्यक्तित्व है उसके अनुसार अपना अपना मार्ग चुन सकता है। अब हम जानते हैं कि ये जो तीन प्रकार के लोग हैं, ज्ञान जो प्रश्न पूछा है सत्य वेदांत ने कि ज्ञानी भक्त और संत में क्या अंतर है, तो इसके आधार पर आप जानते हैं कि ज्ञानी किसको कहते हैं, भक्त किसको कहेंगे और संत किसको कहेंगे और तब जाकर के हम अंतर की समीक्षा करेंगे। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी के जीवन का केंद्र आत्मा है, उसकी सारी साधना आत्म केंद्रित है, वो आत्मा के इर्द गिर्द ही अपनी साधना को दिशा देगा, आत्मा उसके लिए साध्य है। ये ज्ञानी की परिभाषा कह सकते हो, ये ज्ञानी का लक्षण कह सकते हो कि ज्ञानी तो किस साधना को करेगा, किस साधना में जिएगा, वो ध्यान में जिएगा, वो समाधि में जिएगा, वो साक्षी होकर के जिएगा। इसलिए ज्ञानी की साधना के जो केंद्र में हमेशा आत्मा रहेगा, ध्यान रहेगा, समाधि रहेगा, साक्षी रहेगा। तो फिर इसको जैसे आप किसको ज्ञानी कहोगे, जब आप देखोगे कि गौतम बुद्ध हैं वो ज्ञान मार्ग के हैं, भगवान महावीर हैं वो भी ज्ञान मार्ग से संबंधित है, जय कृष्णमूर्ति हैं उनका मार्ग कौन सा मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग को ही प्रकारांतर से सांख्य मार्ग भी कहते हैं, सांख्यों के तो से महर्षि रमण हैं, तो महर्षि रमण भी एक तरह से कह सकते हो ज्ञान मार्गी हैं। वैसे कहीं कहीं आगे जो कुछ मिश्रित योगों की चर्चा करेंगे उसमें भी कुछ लोग बिलोंग करते हैं, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन मुख्यतः जो ज्ञान मार्ग के प्रतिनिधि जो बुद्ध पुरुष हैं वो बुद्ध हैं, महावीर हैं, कृष्णमूर्ति हैं, महर्षि रमण हैं। और इस तरह से ये ज्ञान मार्ग को हम परिभाषित कर सकते हैं और कुछ ज्ञानियों का मैंने उदाहरण भी दिया था कि इस मार्ग को तुम समझ सको। उसी तरह भक्त कौन है? भक्त के जीवन का केंद्र परमात्मा है, उसकी सारी साधना परमात्मा केंद्रित है, वो हमेशा अपने परमात्मा की याद में जिएगा, परमात्मा के प्रेम में जिएगा, परमात्मा के विरह में जिएगा, परमात्मा के गीत गाएगा। जैसे कि भक्त क्या करेगा, वो प्रेम में जिएगा, भजन में जिएगा, कीर्तन में जिएगा, सुमरन में जिएगा, तो इसे पहचान सकते हो कि वो भक्त है या भक्त नहीं है। अब ये हमने ज्ञानी के बारे में बताया और भक्त के बारे में बताया, अब समझना आसान है कि फिर संत कौन है, फिर संत का मार्ग क्या है। तो संत संतुलन में जीता है, संत निर्द्वंद्वता में जीता है, संत सम्यक्ता में जीता है, संत तथाता में जीता है। जैसे तथाता क्या हुआ, परमात्मा के हुक्म से राजी होकर के चलता है, क्योंकि वो परमात्मा के प्रेम में, वो परमात्मा पर निर्भर है और परमात्मा के प्रेम में जीता है, लेकिन साथ साथ एक तरह से वो आत्मा को भी लेकर के चलता है। तो जैसे इसलिए कहा गया कि संत ज्ञान और भक्ति का संगम है, इसलिए ज्ञानी के जो गुण है वो भी संत में है, भक्त के जो गुण है वो भी संत में। इसलिए कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इनको संत कह, इनको ज्ञानी कहेंगे कि भक्त कहेंगे, क्योंकि वो दोनों का सामंजस्य, उनमें दोनों का संगम होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि संत जो है ज्ञान और भक्ति का संगम होता है। अब जैसे कुछ संतों के उदाहरण दूँ, तो जैसे कबीर हैं, मीरा हैं, दादू हैं, दरिया हैं, रैदास हैं, कुंभनाथ, लालनाथ, भीखा है, सहजो है, दया है, तो ये सब जो है वो संत हैं। और सूफिज्म का भी जो मार्ग है वो संत का मार्ग है, इसलिए सूफी मत संत मत करीब करीब एक ही है। तो इसलिए पाओगे कि संत में एक संतुलन पाओगे, क्योंकि एक तरफ वो आत्मा की भी साधना करेगा, एक तरफ वो परमात्मा की साधना करेगा, एक तरफ ज्ञानियों जैसी बात करेगा, एक तरफ भक्त जैसी बात करने लगेगा, तो इस तरह दोनों का उसमें एक संगम हो जाता है। तो इसलिए आनंद गीता में हमने संत के बारे में लिखा है संत वही जिसके जीवन में सुख दुख सबका विलय हुआ, कोई न शिकायत बची, तथाता के सूरज का उदय हुआ, वह नहीं शोक विष पीता है, स्वीकार भाव में जीता है, और शिकायत शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। उसमें हर चीज़
करीब करीब संतुलित उसके जीवन में हो गई है, तो ऐसे को हम संत कहते हैं। अब जानना बड़ा आसान है कि ज्ञानी भक्त और संत में क्या अंतर है। ज्ञानी के लिए जो जीवन है वो मोक्ष का मार्ग है। तुम पूछोगे कि ज्ञानी से पूछोगे कि आपका उद्देश्य क्या है, वो कहे कि हमारा उद्देश्य मोक्ष है। तो ज्ञानी के लिए जीवन मोक्ष का मार्ग है, और भक्त के लिए जीवन क्या है, वो सुमिरन का एक महान अवसर है। वो कहेगा कि बस अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नान, नहीं चाहिए मोक्ष। वो कहेगा बस परमात्मा का सुमिरन करते रहें, बस यही हमारे जीवन की धन्यता है। और संत के लिए फिर क्या है, संत से पूछो कि आपका जीवन किसके लिए समर्पित है, तो वो कहेगा कि मेरा जीवन आनंद और उत्सव के लिए समर्पित है। अर्थात जैसे कि जब वो भक्त, उसके भीतर का भक्त प्रबल होगा तो परमात्मा से जुड़ेगा, और परमात्मा से जुड़ना ही उत्सव है। और जब अपने एकांत का मजा लेगा तो आनंद में जिएगा। तो आनंद और उत्सव का एक संतुलन पाओगे संत के जीवन में। तो फिर से मैं दोहरा दूं, ज्ञानी भक्त और संत में क्या अंतर है। ज्ञानी के लिए जीवन मोक्ष का मार्ग है, भक्त के लिए जीवन सुमिरन का अवसर है, और संत के लिए जीवन आनंद और उत्सव का मार्ग है।